हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन तो आज हम क्लास इलेवेंथ एनवायरमेंटल साइंस बुक से नाइन्थ यूनिट को लेकर हाजिर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज इस चैप्टर में हम स्पेशली पांच टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में जिसमें उसके टाइप्स और यूज को डिस्कस करेंगे फिर एनिमल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फीस और लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे फिर वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फ्रेश और मेराइंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे फिर मिनरल रिसोर्सेज और फिर मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन से में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं तो चलिए फटाफट लेसन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने तरीके के फॉरेस्ट हैं इंडिया में तो इंडिया में जो स्पेशली फॉरेस्ट है वो फाइव टाइप्स के हैं सबसे पहला है टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दूसरा है ट्रॉपिकल डिस फॉरेस्ट तीसरा ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट एंड सर्ब्स चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवा है मैनग्रोव फॉरेस्ट तो एक एक को डिस्कस करेंगे बहुत ने मुझे बताया था कि सर आप जो डिस्कस करते वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आप थोड़ा लंबे लंबे पॉइंट्स को डिस्कस किया कीजिएगा तो आज मैं लंबे लंबे पॉइंट्स को ही लेके आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट करके सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग टॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट के बारे में ठीक है तो टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो स्पेशली जो पूरे जो हमारे इंडिया के जो फॉरेस्ट एरिया है उसका ट्वेल्व परसेंट कवर अप करता है और यहाँ पे जो एनअल बारिश होती है वो टू हंड्रेड सेंटीमीटर तक बारिश होती है जहाँ पे एक शॉर्ट ड्राई सीजन होता है ठीक है मैप में आपको मैं दिखाता हूँ ये आपकी इंडिया की मैप है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप लोग देख सक रहे हैं ना ये जो ये ग्रे पोर्शन वाला जो एरिया है है ना इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं है ना ये सब ये सब जो एरिया है इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं है ना यही है टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो चलिए आगे देखते हैं टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और क्या क्या है तो इसके जो कुछ रीजंस हैं मैं वो बता दूं आपको कि रीजंस क्या क्या है सबसे पहले तो इसका रीज़न जो है वो वेस्टर्न स्लोप्स हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया आइलैंड्स में जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि मैंने आपको नीचे मार्क करके अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है और फिर अपर आसाम हो गया फिर सम पार्ट्स ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और उड़ीसा हो गया तो ये कुछ पार्ट्स है जहाँ पे हमें ये टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया मिलता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसका तो इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरस्टिक्स है जैसे कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो करीब करीब साठ मीटर लंबा होता है और भूशस क्रीपर्स के साथ यहाँ पे जो वेजिटेशन पाया जाता है वो मल्टी लेड मल्टी स्ट्रक्चर में पाया जाता है और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है ना वो लीव शेड होते रहते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम होता नहीं है स्पेशली यहाँ पर कुछ कुछ ट्रीज़ है यहाँ पे जो कि स्पेशली उगते हैं जैसे कि ईवोनी हो गया महागोनी हो गया है ना चिचौना हो गया फिर रबर हो गया रोस हो गया तो ये सब सारे ट्रीज़ है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं साथ ही साथ कुछ स्पेशल जानवर भी है जो कि यहाँ पे पर्टिकुलरली पाए जाते हैं जैसे कि राइनासोरस हो गया एलिफेंट हो गया मंकी है ना लेमूर फिर जाके डियर कुछ बर्ड्स फिर बैट्स स्लॉट और भी कुछ कुछ स्कॉर्पियंस और नेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टॉपिकल डिसडियस फॉरेस्ट के बारे में तो टॉपिकल डिसडियस फॉरेस्ट क्या है तो टॉपिकल डिसडियस फॉरेस्ट के बारे में हम लोग को पता है कि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर अप करता है ये करीब करीब सिक्सटी फोर परसेंट हमारे जो इंडिया का एरिया है फॉरेस्ट का उसका कवर अप करता है ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ग्रीन पोर्शन जो भी आपको दिख रहा है ना तो ये सारा ही टॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही है इसे हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं अच्छा मानसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है तो बारिश जो है ना यहाँ पे करीब करीब 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है यहाँ के जो ट्रीज़ है वो आप जो लीफ शेड करते हैं यानी कि पत्ते जब झड़ते हैं ये करीब करीब छः से आठ हफ्ते तक समर में झड़ते रहते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रीज़ है जैसे कि टीक हो गया साल हो गया पीपल हो गया नीम हो गया तो ये सब कुछ स्पेशल ट्रीज़ है साथ ही साथ यहाँ के जो ज़्यादातर लैंड्स है वो एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग के वजह से इसको काट दिया गया है कुछ एनिमल्स है जो कि यहाँ पे पर्टिकुलरली पाए जाते हैं जैसे कि लायन हो गया टाइगर हो गया एलिफेंट हो गया पिग हो गया डियर हो गया कुछ बर्ड्स हो गए अलग अलग तरीके के लिजर्ड स्नैक्स टोटोइ यहाँ पे पाए जाते हैं तो ये आप मैप में आप देख सकते हैं कि ये सब एरिया है ठीक है आप इस चीज़ को फोकस करके ध्यान देखते रहिएगा मैं आपको आगे बताते रहूँगा तो टॉपिकल डिसीडियस जो फॉरेस्ट है उसको भी दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया सबसे पहला तो मॉइस्ट और दूसरा ड्राई डिसीडियस मॉइस्ट का मतलब पता ही आपको यहाँ पे क्या नमी ज़्यादा होगा और ड्राई में क्या होता है सूखा सूखापन होता है तो यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो सौ सेंटीमीटर से लेकर दो सेंटीमीटर के बीच होती है और सिक्सटी ऑफ द एरिया ऑफ डेजर्ट इन इंडिया का ये कवरअप करता है तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉपिकल डेसीडेड फॉरेस्ट सिक्सटी फोर परसेंट कवरअप करा करता है उसमें से थर्टी फोर परसेंट ये मॉइस डेसिडियस फॉरेस्ट अप करते हैं ठीक है थीके? तो इसके मैंने कुछ नाम्स भी ट्री के लिख दिए यहाँ पे जैसे कि टीक हो गया बैम्बू हो गया साल हो गया शीशम हो गया सैंडलवुड हो गया है ना कुसुम अर्जुन मालबेरी तो ये सब कुछ प्लांट्स है या फिर ट्रीज है कह लो कि ये पाए जाते हैं स्पेशली कौन से रीजन में वेस्ट उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ फुट हिल्स ऑफ हिमालयस तो यहाँ पे ये सब और वेस्टर्न घाट्स में ये सब पाए जाते हैं उसके बाद देख लेते हैं ड्राई डिसिडियस तो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या है तो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में यहाँ पे बारिश थोड़ी तो कम होती है सौ सेंटीमीटर से लेकर सत्तर सेंटीमीटर के बीच में होती है इसीलिए इसको ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है और ये कितना परसेंट कवर करता है थर्टी परसेंट और वो था थर्टी फोर दोनों मिलके हो गया थर्टी सॉरी सिक्सटी फोर परसेंट और ये कहाँ पे पाया जाता है ये ज़्यादातर आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में पाया जाता है उसके बाद देख लेते हैं कि टॉपिकल थ्रोनी या फिर थ्रोन फॉरेस्ट जिसे हम लोग सर्वस भी कहते हैं तो ये इसके बारे में जान लेते हैं तो इस ये जो है ना सिर्फ फाइव परसेंट कवर अप करता है हमारे जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का और यहाँ पे बारिश कितनी होती है सेवेंटी सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती है जहाँ पे सेमी एरिड एरिया से जैसे कि गुजरात हो गया राजस्थान हो गया और कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा और मध्य प्रदेश भी है एज़ वेल एज़ डेगन प्लेट्यू भी कहा जाए मतलब उस पार्ट में भी ये पाया जाता है ट्रीज़ तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना थ्रोनी जो है या फिर कैक्टस वगैरह वही पाए जाते हैं और ज़्यादातर एनिमल जो है वो जैसे कि कैमल्स हो गया लायन हो गया वुल्फ हो गया फॉक्स हो गया माइस हो गया हॉर्स हो गया टाइगर हो गया और वाइल्ड एशिज हो गया तो ये सब सारे एनिमल्स है तो यहाँ पे पाए जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो नीम के पेड़ टाइप जो है ना नाट नीम नहीं मतलब जो काटेदार बेर वगैरह जो पेड़ होते हैं वही पाए जाते हैं यहाँ पे ज़्यादातर ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अच्छा उसके बाद देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में तो माउंटेन फॉरेस्ट ये जो है ये सेवनटीन परसेंट कवरअप करता है इंडिया के फॉरेस्ट एरिया के बराबर जितना भी है मतलब उसमें सेवनटीन परसेंट ये कवर अप करता है अच्छा यहाँ पे स्पेशली कौन से कौन से जगह पे है जैसे कि जम्मू कश्मीर ये वीडियो स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर के लिए ही बना बना रहा हूँ और चलिए आपका ये एरिया आ गया है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नेचुरल वेजिटेशन जो है ना यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर एक स्पेशल खासियत क्या है जैसे जैसे मतलब हाइट बढ़ता जाता है वहाँ के वेजिटेशन भी क्या चेंज होते जाते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड हो गया यहाँ पे फेमस स्नो लियोपार्ड पाया जाता है यक यहाँ पे फेमस है फिर तिब्बतियन एंटीलॉब है ये फिर जैक रेबिट फिर वाइल्ड शीप है ना स्पॉटेड डियर कश्मीर स्ट्रैक तो ये सब कुछ कुछ री... मतलब एनिमल्स है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं साथ ही साथ कुछ पांडास हो गया रेड पांडास रेयर रेड पांडास शिप्स गॉड्स जिसके थिक हेयर होते हैं तो ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ देखना है जैसे कि अगर हाइट वाइज अगर हम लोग इसको डिस्कस करना करने जाए ना तो देखो सबसे पहला तो आ जाएगा वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाएगा इसका मतलब यहाँ पे एट द लोअर अल्टीट्यूड बिटवीन थाउजेंड मीटर टू टू थाउजेंड मीटर के बीच में कहलाता है ये दूसरा है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट तो टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या होता है तो टेम्परेट फॉरेस्ट का जो रीज़न है जो हाइट है वो फिफ्टीन हंड्रेड से ले कर थ्री हंड्रेड मीटर के बीच का रीजन कहलाता है और यहाँ पे जो कुछ स्पेशल ट्रीज है वो सिल्वर हो गया या फिर डेवडर हो गया सिल्वर फिर कहते हैं उसे फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेट ग्रास लैंड तो टेम्परेट ग्रास लैंड कहाँ पाया जाता है ये स्पेशली हाइट की साइड पे पाया जाता है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर के हाइट पे पाया जाता है और यहाँ पे जो फॉरेस्ट और ग्रास लैंड है वो गिव अवे कट टू कर देता है अल्पिन वेजिटेशन को नेक्स्ट जो है हमारा अल्पिन वेजिटेशन वो पाया जाता है तो आपका थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर के ऊपर तो यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रोमिनेंट ट्रीज है जो कि पाइंस वगैरह वो पाए जाते हैं उसके बाद आ गया हमारा एलपिन ग्रास लैंड तो एल्पिन ग्रास लैंड जो है इसको कहा गया है कि दिस ग्रास लैंड आर वेरी यूजफुल ये सॉरी इसको कहा गया कि दिस ग्रास आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रोइंग नोमेडिक ट्राइब जो होता है ना जैसे कि गुज्जरस और तुम्हारा बकरवाल्स इनके लिए बहुत ज़्यादा हाँ फायदेमंद होता है क्योंकि ये चरवाहे रहते हैं और कुछ कुछ चरवाहे करके क्या कर का काम कर क्या करते हैं ठीक है फिर उसके बाद टुंड्रा वेजिटेशन तो टुंडरा वेजिटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मोसेस और लीचेंस जो है ना वो पाए जाते हैं टुंडरा रीजन में तो यही है आपका फॉरेस्ट के बारे में जो हम लोगों ने बताया जो ये चौथा पॉइंट था ये माउंटेन फॉरेस्ट का तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट ठीक है तो मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज को इन्फ्लुएंस्ड के द्वारा पाया जाता है यानी कि सी लहरे जो होता है यानी कि लहरें जो होते हैं उसके हिसाब से तो इसे हम लोग टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये लहरों के प्रभाव से ये होता है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से कौन से रीजन ये कवर करता है तो ये ज्यादातर जो रीजन कवर करता है वो है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सारे क्या है नदी के नाम है और यहाँ पे सारा कोस्टल रीजन हम लोग को पाया जाता है और यहाँ पे ड्यू टू मड एंड सिल्ट ब्रॉड डाउन बाय द रिवर्स तो ये सारा रीजन जो है ना इससे बन जाता है उसके बाद यहाँ पे नीचे एक आप चीज़ देख सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है जिसे हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ ट्रीज पाया जाता है जैसे कि सुंदरी ट्रीज प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल टिम्बर्स आर प्रोमिनट ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और यहाँ पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया ठीक है क्रोकोडाइल हो गया फिर घरियाल हो गया टर्टल्स हो गया स्नैक्स हो गया रॉयल बंगाल टाइगर जो कि बहुत फेमस है वो भी यहीं पर पाया जाता है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब लाइफ स्टॉक और फिश सेक्टर देख लेते हैं इंडिया में तो इंडिया में जो लाइफ स्टॉक के बारे में बताया गया है लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं तो आगे चलते देखते हैं कि सबसे पहला इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं तो इंट्रोडक्शन लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है ना वो क्या क्या इंक्लूड करता है एनिमल हस्बेंड्री डायरी फिशरी सेक्टर को इंक्लूड ये तीन मेजर सेक्टर्स हैं हमारे और इसमें ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों का ही एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इट आल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूलर इकोनॉमी है उसको भी बूस्टअप करता है बहुत सारे फैमिलीज़ को जॉब प्रोवाइड करवाता है है ना एम्प्लॉयमेंट देता है इंडियन जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है मेक्स अप फॉर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक तो दुनिया के बहुत जो बड़े एक लाइफ स्टॉक का अमाउंट है उसमें से इंडिया का जो अमाउंट है वो भी बहुत मायने रखता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सक रहे होंगे कि किस तरीके से हमने इस इस चार्ट को बनाया है और ये 2000 2005 फाइव और टू पे लिया है हम लोगों ने कि कौन सा जो है ना वो कितने मिलियन पे है ठीक है तो आप देख लो कि ये काव और बफेलो तो ये तुम्हारा काव और बफेलो आप देख सकते हो कि ये तुम्हारा 2000 में कितना था 470 मिलियन फिर 2005 में ये तुम्हारा हो गया 518 उसी तरीके से 2010 में हो गया ये 580 तो इसी तरीके से बाकी सारा शिप का देखो सिक्सटी से सिक्सटी एट हुआ फिर सेवेंटी फाइव हो गया टू थाउजेंड टेन में इसी तरीके से गॉड पिग और पोल्ट्रीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस जो है लाइफ स्टॉक का वो कितना इंपॉर्टेंस है तो लाइफ स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंस है तो लाइफ स्टॉक एक तरीके से इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेन्यर है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है एंड द फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज डोमेस्टिक यूज के भी काम आता है साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेस है रीनबल एनर्जी उसको भी बचाता है लाइफ स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर्स का एंड रूरल पुअर पीपल्स के लिए साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब इंडिया सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में फाइव लार्जेस्ट जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में वो है इंडिया यूएसए रशिया जर्मनी फ्रांस इंडिया प्रोड्यूस करता है करीब करीब थर्टी थर्टीन पॉइंट वन परसेंट ऑफ टोटल मिल्क तो सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है आउट ऑफ सिक्स नाइन थ्री मिलियन टन्स मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इंडिया जो है ना वो प्रोड्यूस करता है वन जीरो फोर पॉइंट एट मिलियन ठीक ठीक है और इसका जो पर कैपिटा मिल्क एवेबिलिटी है वो यहाँ पे है टू हंड्रेड फिफ्टी टू ग्राम पर डे लोअर देन वर्ल्ड एवरेज टू सिक्सटी फाइव यानी कि हम लोग एवरेज में कम प्रोडक्शन करते हैं अच्छा उसके बाद पॉलिट्री और एक्स के बारे में देख लेते हैं तो पॉलिट्री और एक्स में भी हम लोग अच्छे खासे नंबर पे हम लोग फिफ्थ पोजिशन पे है ठीक है और बॉयलर्स पे इंडिया इंडिया जो है एक्स पे फिफ्थ पोजिशन पे और बॉयलर्स पे एटीन पोजिशन पे स्टैंड करता है अब देखो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो करीब करीब आठ से दस परसेंट है पर यानी कि सेवेंटी परसेंट ऑफ एग जो ऑफ़ द कंट्री है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ही प्रोड्यूस होते हैं प्रेजेंटली जो एग का जो एस्टिमेटेड बताया गया है वो करीब करीब तुम्हारा थर्टी सेवन बिलियन एग्स जिसमें से बॉयलर जो है करीब करीब एट नाइन्टी फाइव मिलियंस तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया का जो पोल्ट्री मीट है वो कुछ कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जैसे कि जापान हो गया मलेशिया हो गया इंडोनेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया उसके बाद देखते हैं कि फ़िश प्रोडक्शन के बारे में तो फ़िश प्रोडक्शन में भी एक अच्छा खासा रोल है इंडिया का इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो एक अच्छा खासा लंबा कोस्ट लाइन है जो कि एट थाउजेंड फोर हंड्रेड वन किलोमीटर करीब करीब लंबा है और आपका जो स्क्वायर किलोमीटर में है सॉरी स्क्वायर मिलियन एच में है वो फाइव मिलियन ए है फ्रेश वाटर एरिया जहाँ से फिशिंग है ना बहुत अच्छी खासी फिशिंग होती है और इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो ये जो रिपोर्ट है ये आपका 2006 से 2007 के बीच का है इंडिया जो टोटल फिश प्रोड्यूस करता है वो करीब करीब 76.21 टन्स का है उसके बाद मीट और आ, मीट प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं तो मीट और मीट प्रोडक्ट्स के बारे में तो मीट प्रोडक्ट्स जो इंडिया इंडस्ट्री है इंडिया में इस लार्जली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और ये एक्सपांड कर रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन रूरल पीपल जो है ना वो हायर इनकम लेवल और वहाँ पे चेंज जो हो रहा है लाइफ तो ये बहुत बड़ा एक स्लॉटरिंग uh, जो है वो रेट वो ट्वेंटी परसेंट होल सेल सॉरी होल इज ट्वेंटी परसेंट जिसमें से बफेलो इट इज़ फिफ्टी वन फोर्टी वन परसेंट पिग नाइन्टी नाइन परसेंट शिप जो है थर्टी परसेंट और गॉड जो है ना फोर्टी परसेंट होते हैं यहाँ पे अच्छा इंडिया में करीब करीब यह बताया जाता है कि थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड स्लॉटर हाउसेस है और उसमें से सिर्फ वन सेवेंटी वन के पास ही लाइसेंस है तो इसलिए मैंने बताया कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें से कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2001 से लेकर 2007 के बीच में जो प्रोडक्शन ऑफ मीट जो इंक्रीज हुआ है 1.9 मिलियन टन से लेकर ये 23 मिलियन टन तो आप देख सकते कि कितनी लंबी छलांग है ये उसके बाद इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं देखो कोई भी काम करोगे तो उसके बेनिफिट्स तो होंगे ही और साइड इफेक्ट्स भी थोड़े थोड़े होते हैं लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है प्रोवाइड सब्सिडी डेरिकक्यूपेशन टू तो द पीपल्स लिविंग इन ड्राउट प्रोन हिली ट्राइवल रिमोट तो इन सारे जगह जगह के लोग जो होते हैं जो रिमोट एरिया में लग जो लग लोग होते हैं उनके पास कोई फैक्ट्रीज नहीं है काम करने के लिए सिर्फ उन लोग के पास एक खेती हो सकता है या फिर यही एक फार्मिंग का बिजनेस हो सकता है कि ये उन लोग कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग हो गया या फिर कुछ भी मीट की दुकान खोल ली या फिर स्लटरिंग हाउस खोल लिया तो इस तरह के काम वो लोग करते हैं तो ये सब सारे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो है ना एक तरीके से बून है कह सकते हो तरीके से बून का मतलब होता है वरदान है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है गरीब लोगों के लिए उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन दिया गया है इस सारी इस टॉपिक का तो इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है कि इंडियन लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री जो है ना वो मेक्स अप फॉर एन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक मतलब पूरा वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक का एक अच्छा खासा अमाउंट इंडिया में है जिसमें से हम लोग एक्सपोर्ट वो बहुत सारा करते हैं जैसे कि डायरी हो गया फिशरी हो गया ऊल हो गया पोल्ट्री हो गया एंड अदर प्रोडक्ट्स तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई चलिए अब मूव आउट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वाटर रिसोर्सेज है तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं वाटर रिसोर्सेज में क्या है तो वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहले जानना जरूरी है आपको कि जो हमारे पास जितने भी वाटर है पूरे पृथ्वी पे यानी कि अर्थ पे उसका नाइन्टी सेवन परसेंट जो हिस्सा है उसे उस सेलिन वाटर कहा जाता है यानी कि से वो ओशंस में पाया जाता है और उसमें से सिर्फ थ्री परसेंट ही फ्रेश वाटर कहलाया जाता है और ये थ्री थ्री परसेंट जो है ना वो पीने लायक है लेकिन ये भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है और इस थ्री परसेंट में से इस थ्री परसेंट में से थर्टी परसेंट तो ग्राउंड वाटर है और उसके बाद जो सिक्सटी एट पॉइंट सेवन परसेंट है वो आइस कैप्स या फिर ग्लेशियर्स है और सरफेस पे सिर्फ जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ही अवेलेबल है और इसी वाटर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं ठीक है अब ये वाटर भी आगे अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में कि किस तरीके से रिवर्स पे दो परसेंट है है ना और बाकी ज़्यादातर लेग्स पे ही है एट्टी सेवन परसेंट तो पानी तो है पृथ्वी पे लेकिन पीने लायक जो पानी है वो बहुत कम है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पानी पीने लायक नहीं है यानी कि जो कि ओशन्स में है मेरेन में है वो अगर पीने लायक नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज़ नहीं है वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज है रिसोर्स का मतलब ही ये होता है कि वो हर वो एक चीज़ जो हमारे काम आ जाए उसे हम लोग रिसोर्सेज़ कहते हैं जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल हमें इंडिया से अमेरिका गुड्स भेजना है तो अमेरिका को गुड भेजना है तो हम लोग प्लेन पे तो गुड्स तो तो भेज नहीं सकते उतने सारे तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग शिप्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा माल ले जाया जा सकता है तो वो भी एक तरीके का वाटर भी हमारा एक तरीके का ओशन वाटर भी हमारे लिए रिसोर्सेज बन जाता है तो चलिए इसे देख लेते हैं कि वाटर रिसोर्स ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि नेचुरल वेटलैंड किस तरीके से होता है ये आप डायग्राम देख सक रहे हैं उसके बाद वाटर रिसोर्सेज किस किस तरीके से काम आ सकता है ये एग्रीकल्चर में काम आ सकते हैं इंडस्ट्रियल में हाउस होल्ड में है ना और भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे मतलब ये फ्रेश वाटर जो है ना वो काम आता है आप खेती करने जाओगे तो वाटर चाहिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए वाटर चाहिए हर एक काम के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए चाहे वो कपड़ा धोना हो चाहे खाने के लिए हो चाहे वो पीने के लिए हो कुछ के लिए भी हो तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वाटर रिसोर्सेज है नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ आवर अर्थ वाटर जो है इज सॉल्ट वाटर और सॉल्ट वाटर तो पीने लायक तो नहीं है कम से कम ओनली थ्री परसेंट जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है और जो टू थर्ड ऑफ दिस है वो फ्रोजन ग्लेशियर्स में ग्लेशियर्स है जो कि बर्फ है उसे भी हम लोग नहीं पी सकते है ना तो बहुत एक कम हिस्सा बचा हुआ है हमारे लिए वाटर का वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि फ्रेश वाटर इज रीन्यूबल रिसोर्सेज रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब यह है जिसे हम लोग बार बार रीन्यू कर सकते हैं बार बार यूज कर सकते हैं येट द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ क्लीन एंड फ्रेश वाटर इज स्टेड डिक्रीजिंग पानी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है दिन ब दिन क्या हो रहा है घट रहा है बहुत ऐसे है, शहर है बड़े शहर है जहाँ पे पानी की आजकल शॉर्टेज हो रही है तो ये पॉपुलेशन वगैरह की वजह से भी हो रहा है और जो हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं उसके वजह से भी हो रहा है ठीक है उसके बाद वाटर को देख लेते हैं कि वाटर इसको बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है तो अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस प्रिजर्विंग वाटर वाटर को किस तरीके से बचाया जाना चाहिए तो ये हम लोग कई दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके के प्रोग्राम्स लेकिन उतना असरदार अभी तक ये नहीं हो रहा है इसलिए बहुत जगह पे एनवायरमेंटल सर्विस फॉर वाटर एडुकेशन प्रोवाइड करने के लिए की बात की गई है सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर तो सोर्सेज ऑफ़ फ़्रेश वाटर तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं ये पिक्चर देख सकते हैं पिक्चर से आपको पता लग जाएगा ये फिर ये तो कुछ इस तरीके से दिया गया तो ये सब सारे कुछ नोट्स है जो कि मैंने आपके लिए बना के रखे हैं ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो सोर्सेज ऑफ सो वाटर में इतना ही काफ़ी है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसके बारे में तो सबसे पहले तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में तो मिनरल्स तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी होमोजनीस नेचुरल ऑकरिंग है सब्सटेंस जो कि सब सर्फेस में पाई जाती है उसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं तो मिनरल्स जनरली ये हार्डेस्ट फॉर्म में भी पाया जाता है एज अ डायमंड और एज अ सॉफ्ट फॉर्म में भी टेल्क के फॉर्म में भी ये पाया जाता है मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स तो ये ओर्स में मिलता है यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आयरन है तो आप मिट्टी खोदोगे तो सीधा आयरन ही मिल जाएगा तो ये ओर्स के फॉर्म में मिलता है और उस ओर से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मिनरल्स ठीक है अच्छा जैसे कि फॉर एक्जाम्पल जैसे ये रॉक देख लो तो रॉक क्या है रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स तो जो होमोजीनियस सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग रॉक्स कहते हैं उसके बाद अगर मिनरल्स को हम लोग क्लासीफाई करें तो मिनरल्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मेटलिक नॉन मेटलिक और एनर्जी मिनरल्स ठीक है मेटलिक में फेरस नॉन फेरस प्रिसियस और नॉन मेटलिक और एनर्जी मिनरल्स में कोई कॉम्बिनेशन मतलब यानी कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है तो सबसे पहले मेटलिक के बारे में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन कॉम्पोजिशन मेटलिक और नॉन मेटलिक में ठीक है तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये मेटल से बना हुआ है और ये नॉन मेटल से बना हुआ है ठीक है उसके बाद मेटलिक मिनरल्स को अगर हम लोग देखें तो मिनरल्स मिनरल्स कैन बी मेल्टेड टू ऑप्टेन प्रोडक्ट, उसे हम लोग गला के पिघला के कुछ एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं नया कुछ कर सकते हैं ठीक है तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स कॉम्पोजिशन तो ये जैसे कि मैंगानीज आयरन और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटलिक का अगर उदाहरण दे डू नॉट जिसके साथ कोई नया प्रोडक्ट मेल्ट करके प्रोडक्ट ऑन नहीं बन सकता है है ना फाउंड ऑन सेडिमेंट्री रॉक स्पेशली अगर आप देखोगे टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑन दिस कंपोजिशन ये नॉन मेटलिक का अगर देखोगे तो ये है आपका है ना बॉक्साइड है लाइम है तो ये सब जो है ना नॉन मेटलिक है कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे और क्या है तो और तो और इसे मिनरल कॉम्बिनेशन तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन है बहुत सारे प्रोडक्ट का अगर इसको मैन्युफैक्चर करने जाओ तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है यहाँ से गैंग्स निकलते हैं यानी कि ऐसे सब्सटेंस भी निकलते हैं जो कि कोई काम में नहीं आता तो उसे हम लोग इम्प्योरिटीज भी कहते हैं उसे हम लोग को हटा देना पड़ता है तो ये तो है हमारे टाइप्स टाइप्स ऑफ रॉक्स इन विच मिनरल्स आर फाउंड तो कितने तरीके के रॉक्स होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक तो तीन तरीके के रॉक होते हैं और इन्हीं तीनों रॉक में से हमें मिनरल्स मिलता है ये माइनिंग का एक एग्ज़ाम्पल है कि माइनिंग किस तरीके से किया जाता है यहाँ हम लोग डीप अर्थ में हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते थे कोई ये सब सारा ये क्या बना हुआ है ये ट्रक जाने का रास्ता बना हुआ है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं लोडिंग करते हैं और यहाँ से हम लोग मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये अंदर जाते, जाते जाते इस तरीके का बन जाता है और लोग इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके निकाल के बाहर लेके आते हैं और फिर उसको फैक्ट्रीज वगैरह में ले जाया जाता है तो इस तरीके से मिनरल्स को जो है ना निकाला जाता है तो ये मैंने कुछ मैप्स भी दे रखे हैं मैप से भी आप देख सकते हो कि कौन सा मिनरल जो है ना आपको कहाँ में मिलता हुआ कहाँ पे पाया जाता हुआ ये सब मिल जाएगा तो आखिर में लास्ट टॉपिक में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताना है हमें कि कश्मीर में ऐसे किस किस तरीके के का प्लान्टया जाता है जिसका मेडिसिनल यूज़ है तो उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वीडियो आज का बहुत लंबा हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ था कि इसको शॉर्ट में ही क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए तो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर्ड हो जाओगे तो ये तो कुछ है जो कि आपको देखना है लास्ट टॉपिक में बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं तो हम जल्दी हाज़िर होते हैं एक नए वीडियो को लेके तब तक के लिए गुड बाय